हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतिका और गुंजन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। साथ पढ़ना, घूमना, शॉपिंग करना, यहाँ तक कि दोनों एक जैसे ही कपड़े भी पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई सैंडविच खा रही होती है, तभी नीतिका बोलती है, यार तुझे पता है मम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही हैं। अच्छा जी, यार एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलना। यार देख, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर यार मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुझे किसी और का होते नहीं देख सकती। आई लव यू नीतिका। क्या? हाँ नीतिका। गुंजन यार, ये सब तू क्या बोल रही है? ये सब कब, कैसे? अरे यार तू तो सीरियस हो गई, मजाक कर रही हूँ पागल मैं तुझसे। क्या यार, कैसे मजाक करती है तू? ऐसे ही दोनों सहेलियाँ हंसी मजाक करती है और शाम को घर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नीतिका के लिए विविन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार शादी का दिन आता है। सात फेरे पूरे होने पर वर वधु शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। नीतिका और विविन को स्टेज पर बैठाया जाता है, जिसके बाद हाथों में तोहफे लिए गुंजन नीतिका और विविन के पास जाती है और बोलती है, तो मेरी प्यारी सहेली नीतिका और उसके पति विविन को मेरे यानी नीतिका की परम मित्र गुंजन की तरफ से आपके नव विवाहित जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नंबर की पगलू ही रहना तू हमेशा। विविन जी, ये मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी सब कुछ है। थैंक यू गुंजन, तुम्हारी विशेष के लिए। चलो अब फाइनली मैं फ्री हूँ, मेरी सिरदर्दी कम हुई, अब आप ही संभालो इसे। अच्छा तो मैं तेरी सिरदर्दी हूँ? हाँ बहुत अच्छे। और नहीं तो क्या, अब मैं मजे से अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी। ठीक है कर लियो, वैसे भी मैं जा रही हूँ विदा होके। कमीनी तो रोएगी सबसे ज्यादा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद नीतिका की विदाई हो जाती है और नीतिका एक अच्छी बहू की तरह सारी ससुराल की जिम्मेदारियाँ निभाती है। साथ ही विविन भी उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन देर रात को विविन ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे गुंजन मिल जाती है और वो कार लेकर उसके पास जाता है और उसके सामने कार को रोककर बोलता है, हेलो गुंजन, यहाँ क्या कर रही हो? अरे विविन तुम? कुछ नहीं, मेरी कार खराब हो गई थी तो टैक्सी का वेट कर रही थी। अरे आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी रात काफी ज्यादा हो चुकी है। अरे नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अरे इसमें परेशानी कैसी, आओ तुम सोचो मत ज्यादा, बैठ जाओ। विविन के बार बार कहने पर गुंजन कार में बैठ जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी गुंजन बोलती है, और बताइए विविन, नीतिका कैसी है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, आप बताइए। जी सब मस्त है। और कोई बॉयफ्रेंड है आपका? अरे नहीं नहीं मैं सिंगल हूँ, आप बन जाओ। ओह माय गुडनेस, इतनी अच्छी लड़की ऑफर दे रही है, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। ओह रियली? फिर सही, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो जल्दी से हाँ कर देना। जी मैं तो हाँ कहता हूँ। कंप्यूटर जी, विविन जी के आंसर को लॉक कर दिया जाए। मुबारक हो, आप जीते हैं गुंजन की दोस्ती। जिसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों के नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। कुछ देर बाद विविन गुंजन को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और गुंजन विविन के बीच की बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन विविन कॉल करके गुंजन को एक क्लब में बुलाता है। कुछ देर बाद गुंजन एक हॉट सी ड्रेस पहनकर क्लब में जाती है और विविन उसे देखकर बस देखता रह जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर डांस करने के लिए फ्लोर पे जाते हैं। तभी डांस करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं और विविन प्यार से गुंजन के बालों को संवारने लगता है। तभी वो उसे बोलती है, क्या बात है, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे आपके। इरादे तो ठीक ही थे, बस जब से तुमसे मिला हूँ तब से बिगड़ गए हैं। सच? ऐसा क्या देख लिया आपने? ये कजरारी आंखें, ये ग्लॉसी लिप्स, ये नागिन जैसी जुल्फें, कोई पागल ही होगा जो इस रूप का दीवाना नहीं होगा। वैसे पसंद तो आप मुझे भी हैं और ये दिल मुझे मेरी सहेली की सौतन बनने पर मजबूर कर रहा है।
तो बन जाओ ना आई लव यू गुंजन। आई लव यू टू विविन। जिसके बाद दोनों क्लब में बने हुए रूम में जाते हैं और एक साथ प्यार भरे लम्हे को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन नितिका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो ये खुशखबरी विविन और गुंजन को देती है। ऐसे ही एक दिन हाथों में बैग लिए गुंजन नितिका के घर आती है और डोरबेल बजाती है, जिसके बाद नितिका दरवाजा खोलती है और बोलती है, ओए तू। हाँ मैं पगलू, पर ये बता कि तू एकदम से कैसे आई। यार तू अकेली है और ऊपर से प्रेग्नेंट है, तो मैंने सोचा मैं तेरी हेल्प के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि होने वाली बेबी की मासी जो हूँ आखिर। यार तू सच में मेरी सच्ची सहेली है, वरना आजकल के दोस्त तो दोस्त कम और सौतन ज्यादा है, पर तो सबसे अलग है। ऐसे ही दोनों सहेलियाँ आपस में बातें करने लगती है। शाम को जब विविन ऑफिस से घर आता है तो गुंजन को घर में देखकर हैरान हो जाता है। तभी नितिका उसे सारी बात बताती है और विविन मन ही मन में सोचता है, वाह मजा आ गया, अब तो घर के अंदर ही दाल रोटी और क्लब है, मौज ही मौज है बेटे मेरी तो। ऐसे ही वक्त बीतता है, विविन और गुंजन अपने इस नाजायज रिश्ते में तरक्की करते जाते हैं, जहाँ एक तरफ गुंजन नितिका के मुंह पर सहेली होने का ढोंग करती, तो वहीं उसके पीठ पीछे उसकी सौतन बनकर विविन के साथ अय्याशी करती। नितिका की प्रेगनेंसी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं, तो वहीं एक दिन गुंजन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और विविन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो भी माँ बनने वाली है। गुंजन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, पर विविन ये सब सुनकर जरा भी खुश नहीं होता। दोनों क्लिनिक से निकलकर एक कैफे में जाते हैं, जहां गुंजन उससे बोलती है, विविन क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या, हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। पागल वागल हो गई हो क्या, किस बात की खुशी दिखा रही हो। अरे मेरा एक बच्चा आ रहा है जो निकिता के पेट में है, मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। कभी नहीं, मैं ये सब कभी नहीं करूंगी, हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, मैं इसे कभी नहीं मारूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब गुंजन विविन के बनाए नाजायज रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। और ऐसे ही एक रात को विविन गुंजन को कॉल करता है और उसे एक पुरानी बिल्डिंग में मिलने बुलाता है और बोलता है, ओ मेरी जान मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम तो हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो और मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, पर आज मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ जिसके बाद किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर जैसे ही विविन चाकू से उस पर वार करने लगता है, तभी गुंजन के पास पड़ी टूटी हुई कांच की बोतल वो उठाकर विविन के पेट में मार देती है और विविन वही दम तोड़ देता है। और जैसे ही गुंजन वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे अपने सामने खड़ी नितिका दिखती है और गुंजन बोलती है, देखो नितिका जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। बस गुंजन मुझे कुछ नहीं सुनना, जो सुनना था जो जानना था मैंने सब जान लिया, मैंने सब सुन लिया और देख भी लिया। तुमने मेरे पति को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन अब तुम भी नहीं बचोगी, आज तुम भी मरोगी, तुमने मेरे होने वाले बच्चे को पहले ही अनाथ कर दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर नितिका अपनी दोस्त को उस बिल्डिंग से धक्का दे देती है और विविन के साथ साथ गुंजन की कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तुम्हारी पहली मुलाकात याद है मुझे, अगस्त की थोड़ी सी गर्मी और मेरी बेतुकी बातों को तुम्हारा ये घंटों झेल जाना, बातों बातों में उस लम्हे का गुजर जाना और फिर तुम्हारा विदा कह जाना। टीना क्यों गई तुम मुझे छोड़कर, बहुत प्यार किया है मैंने तुम्हें, प्लीज वापस आ जाओ। रोते रोते वीर की नजर पास में खड़ी हुई टीना पर पड़ती है और वो उसे रोककर कहता है। टीना अपने दोस्तों से बात कर रही थी कि तभी उसकी दोस्त मेघा बोलती है, यार देख मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और अमेजिंग लग रही है ना। अच्छा जी, अरे ऐसा क्या लगाती है, हमें भी बता दे, हम भी लगा लेंगे। अरे यार मेरी दी यूज करती है, उनको देखकर मैंने भी पॉन्ड्स का फेस वॉश ले लिया। अच्छा अगर मैं लगाऊंगी
तो मेरी स्किन भी फ्लॉलेस और ग्लोइंग हो जाएगी क्या? यार जब मुझे सूट किया है तो तुझे भी करेगा ना, और वैसे भी ये ऑल स्किन टाइप होते हैं, समझी? पता नहीं, असल में ना मैं इन चीजों पर भरोसा कम करती हूँ। वो क्या है ना कि मेरी दीदी कहती है कि दूध मलाई टमाटर लगाओ, स्किन रच के गोरी और चमकदार होती है। दोनों सहेलियाँ लेक्चर अटेंड करने के बाद कैंटीन जाती हैं और कुछ देर तक वहाँ पर रहने के बाद निकल जाती हैं। मेघा टीना को एक मेडिकल शॉप पर ले जाती है जहाँ वो उसे एक पॉन्ड्स का फेस वॉश खरीद कर दे देती है और फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। घर जाकर टीना मिरर के आगे खड़ी होकर अपनी स्किन को टच करते हुए बोलती है, यार मेरी स्किन तो पहले से ही ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर क्या पता कि मेघा की तरह मेरी भी स्किन निखर जाए। एक काम करती हूँ, एक बार धो ही लेती हूँ इससे चेहरा। इतना बोलकर टीना पॉन्ड्स फेस वॉश से अपना फेस एक मिनट तक धोती है, जिसके बाद उसे अपने फेस पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। तो वो कहती है, अरे वाह, ये तो सच में काम कर गया, मेरी गाल कैसे मक्खन की तरह मखमली से हो गए हैं। एक हफ्ता मलाई लगाई थी, अरे तब भी नहीं हुए थे इतने गोलू मोलू से गाल मेरे, अब देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। टीना अपनी स्किन को मिरर में देखकर हाथ में फेस वॉश लेकर डांस करने लगती है। कुछ ही देर के बाद वो अपनी मम्मी शर्मिला को अपना फेस दिखाकर बोलती है, मम्मी मम्मी देखो ना मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है। इतना खिलखिला कर क्यों हंस रही है? मम्मी ध्यान से देखो ना मेरा चेहरा, कुछ नया सा नहीं लग रहा है, एकदम चमकदार सा? हाँ थोड़ा सा लग रहा है। अरे मम्मी देखने से कैसे पता चलेगा, एक बार टच करके देखो ना, कितना सॉफ्ट लग रहा है, मलाई जैसा। अरे हाँ बेटा, तेरे गाल तो बड़े ही कोमल और मुलायम लग रहे हैं, ऐसा क्या लगाया है तूने? अरे वो मेघा है ना मेरी फ्रेंड, उसने मुझे पॉन्ड्स का फेस वॉश दिया है, उसी से हुआ है ये कमाल। वो तो ठीक है, पर बेटा ये सब थोड़े ही दिन के लिए अच्छा होता है, ज्यादा मत लगाइयो, अगर इससे तेरी स्किन खराब हो गई तो। डोंट वरी मम्मी, मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करूँगी। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। रोज की तरह टीना आज भी अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन वो लेट थी और टैक्सी का इंतजार कर रही थी। अपना हाथ देकर वो टैक्सी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। तभी बाइक पर एक वीर नाम का हॉट सा लड़का बाइक चलाकर और गॉगल्स लगाकर वहाँ आ रहा होता है। उसकी नज़र परेशान टीना पर पड़ती है और वो उसके आगे बाइक रोककर बोलता है, कैन आई हेल्प यू? नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए आप कहाँ जा रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अरे आप रहने दीजिए, थोड़ी दूर पर ही तो है मेरा स्टीफन कॉलेज, मैं पहुँच जाऊंगी। आर यू श्योर? स्टीफन कॉलेज? हाँ। अरे यार जल्दी बैठो फिर बाइक पर, मेरा भी वही कॉलेज है, आओ हम साथ में चलते हैं। टीना वीर की बात सुनकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है और दोनों अपने अपने कॉलेज के लिए चले जाते हैं। टीना उसे थैंक्स बोलकर अपने लेक्चर क्लास में जाती है। दो घंटे बाद दोनों अपने अपने क्लास से निकलकर कॉरिडोर से गुजर ही रहे थे कि दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है और वीर टीना को संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और उसे देखकर वीर गाना गाते हुए बोलता है, ओ आँखों आँखों में फंसा लिया, ओ तेरी आँखों ने फंसा लिया। अभी इतनी जल्दी कैसे फंस गए, सुबह तो नहीं फंसे तुम? तब इतनी प्यारी प्यारी आँखों को देखा कहाँ था इतना डूब कर, और ये सॉफ्ट सॉफ्ट से गाल जो इतना ब्लश कर रहे हैं, इन्हें भी कहाँ देखा था। अच्छा जी अब देख लिया तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, थैंक यू। कुछ ही देर के बाद वीर कॉलेज से निकल रहा होता है और टीना को देखकर उसके आगे फिर से बाइक रोककर बोलता है, क्या मैं तुम्हें दोबारा ड्रॉप कर सकता हूँ? क्यों? मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीनी है, सो चलोगी ना मेरे साथ? अच्छा ठीक है। दोनों एक रॉयल कैफे पहुँच जाते हैं जहाँ वीर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और साथ ही दोनों बहुत देर तक बैठकर बातें करते हैं, इतने की वो दोनों चार बार कॉफी ऑर्डर करके पी लेते हैं और दोनों का इंट्रो भी हो जाता है। दोनों की फर्स्ट मीटिंग काफी अच्छी रहती है और वीर इस सब के बाद उसे घर ड्रॉप कर देता है। वक्त गुजरता जाता है। टीना उस फेस वॉश को दिन में 3 बार इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन पर अब थोड़ा बुरा इफेक्ट पड़ने लगता है। साथ ही उसकी मुलाकात भी वीर से बढ़ने लगती है।
धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी स्किन भी डल होने लगती है। ऐसे ही एक दिन वीर उसे कैंडल लाइट डिनर पर बुलाता है और सरप्राइज देता है। वाओ वीर, इट्स रियली अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद आया। चलो, मेरी मेहनत रंग लाई। टीना, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तुम्हारी स्किन इतनी डल और बुझी बुझी क्यों लग रही है? पता नहीं, 2-3 दिन से हो रहा है। गर्ल्स की ऐसी स्किन मुझे पसंद नहीं है। यू नो, चमक की चली जाती है और मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा सब लड़कियों से अच्छी लगे, ताकि सब जले तुमसे। खैर छोड़ो, डिनर करते हैं, आओ। टीना के मन में वीर की कही बात और भी ज्यादा घर कर जाती है। वक्त के साथ साथ टीना का चेहरा और भी ज्यादा खराब होने लगता है। वो उसे ठीक करने के लिए पॉन्ड्स की कंपनी के अलग अलग तरह के फेस वॉश ले आती है और सभी को बदल बदल कर अपना फेस वॉश करने लगती है, जिससे उसका चेहरा ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। उसके चेहरे पर पिंपल, साथ ही साथ दाने भी निकल आते हैं। फेस वॉश छोड़कर वो कई तरह की होममेड रेमेडीज का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें उसके फेस के दाने कम होते हैं और उसके चेहरे पर गंदे धब्बे पड़ जाते हैं। साथ ही उसके चेहरे का कलर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत डार्क होने लगता है। ऐसे ही एक दिन वीर उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर वो कहती है, नहीं वीर, मैं नहीं आ सकती। और हाँ, तुम भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद को जान से मार लूंगी। आज के बाद ना मुझे मिलना और ना मुझे कॉल करना। वीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही टीना कॉल कट कर देती है और वीर को 1 महीना बीत जाता है। और एक पेड़ के नीचे बैठकर वो यही सोच रहा होता है कि आखिर क्यों टीना उसे छोड़कर चली गई। तभी उसकी नजर टीना पर पड़ती है और वो उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोककर बोलता है, टीना, टीना रुको, आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती और ये स्कार्फ क्यों लगाया है? आज तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आखिर क्यों किया तुमने वीर ऐसा? लो, अब खुश होना देखकर। टीना, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया है, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुम पागल हो क्या टीना? इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे इतने टाइम तक तड़पाया, रुलाया। एक बार कह देती मुझसे, मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूँगा, बताना जरा। तुमने ही तो कहा था एक दिन मुझसे कि गर्लफ्रेंड तभी अच्छी लगती है जब उसकी स्किन ग्लोइंग होती है। तुम पागल हो क्या टीना? मैंने ये नहीं कहा था कि तुम ऐसी हो जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे, तुम्हारी सूरत नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार किया है मैंने। अच्छा चलो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ वीर, मैं तुमसे शादी करूंगी। इतना कहकर वो दोनों कुछ टाइम के बाद ही शादी कर लेते हैं। साथ ही वो पॉन्ड फेस वॉश को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर वापस घरेलू नुस्खे मलाई हल्दी लगा कर अपने चेहरे को काफी हद तक ठीक कर लेती है, जिसके बाद दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।